इसको भारतीय जनता पार्टी बेशक जात पात की राजनीति करे, हमको नहीं पता उन्होंने क्या एजेंडा अपना सेट किया है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में जो आप बता रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और आगे क्या कुछ होना है ये हमारी हाईकमांड तय करती है। इस तरह के घोषणाएं कहो या कुछ भी कहो, तो ये चीज़ें पहले ना कभी हुई हैं, ना होती हैं, ना किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कोई ऐसे बंटवारा आज तक तो हुआ नहीं, आपने देखा है हरियाणा में। और हमको तो छत्तीस बिरादरी को लेके चलना है, तो कोई भी छत्तीस बिरादरी में से बन सकता है, उस समय फैसला होगा, हाईकमान फैसला करेगी। इस तरह बांटने का और करने का मुझे तो कोई औचित्य नजर नहीं आता आज, ना पार्टी में इस तरह का फैसला हुआ है, ना पार्टी में ऐसी कोई मीटिंग या डिस्कशन किसी लेवल पर हुई है, मुझे मालूम नहीं। किसी लेवल पर अगर हुई है मुझे तो मालूम। अभी बीजेपी ने 9 साल मैडम, आप कितना मानती हैं हरियाणा में कितना काम हुआ? 9 साल इनको मिले, लेकिन 9 साल में केवल घोषणाएं। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में बैठ के रोज अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, वहाँ अनाउंस होते हैं कुछ चीज़ें, अब कितनी वो ज़मीन पर उनका कार्यान्वयन होता है सब जानते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं बहुत देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? आज कुछ तो कारण है जो हरियाणा की जनता इनसे इतना दूर जा चुकी है, इनके कारण है, क्योंकि कुछ ये डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अलावा आप दो बातें मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगी और आपके माध्यम से अपने हरियाणा वासियों को, दो ऐसी चीज़ हैं जिन फैसलों ने हरियाणा के लोगों को उलझा कर रख दिया, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, लोग दर दर भटक रहे हैं। आपने क्या सरल कर रहे थी जिंदगी, लेकिन आप कुछ दे नहीं पा रहे। एक नारा दे दिया, नारा देने में जुमलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात आप सब बता दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला इन्होंने उठाया, कहा, किया, हमने स्कैम्स भी बताए थे, किसी एजेंसी को इन्होंने अब जाके कब हमने उठाया, ब्लैकलिस्ट करने की अब बात कर रहे हैं। तो इनको भ्रष्टाचार किसी लेवल पे नजर ही नहीं आता, और जब हम कहते हैं तब उसको नकारते हैं और बाद में सच साबित होती हैं ये बातें। बात ये नहीं है कि कांग्रेस कह रही है या कौन, आप जमीन पर देखिए ना कि लोगों के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों लोगों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आम नागरिक। लोग इसका जवाब उचित समय पर जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इनका कोई कि लोगों की आवाज़ सुन सकें, कुछ राजनीतिक हिसाब से कुछ फैसले हों, सरकारी से फैसले इनके दिखते हैं। अब प्रशासनिक कैसे, मुझे लगता है कि कोई सरकार नाम की कोई है नहीं चीज़, प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा है, राजनीतिक रूप से लीडरशिप उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो हरियाणा का बुरा हाल है, बदहाली है आज हरियाणा वासियों की, और ये मौका है आप लोगों के माध्यम से। 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, एक नई शुरुआत होना चाहिए, लोग मन में प्रण करें कि ऐसी सरकार को आने वाले समय में सही रास्ता दिखाएं, सत्ता से बाहर करें। संगठन को लेकर मैडम कुछ सभी है प्रक्रिया चुनाव के बाद संगठन बनना है कांग्रेस को? अब ये तो प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन अभी सभी लोग व्यस्त हैं, पांच राज्यों में सभी। कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार से परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी अब एक दर्जन भर के करीब ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को मैदान में लाने की कोशिश में है और खुद की भी टिकट मांग।
कांग्रेस में। तो देखो सभी पार्टियों में होता है, परिवार में लोग काम करते हैं, आगे आते हैं, तो परिवारवाद उसको कहना, आप कुछ भी कहिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है और पार्टियों में नहीं है। तो दूसरी तीसरी जनरेशन अगर मेहनत करते हैं और लोग उनको आगे लाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरे राजनीतिक गुरु देखिए, ये जो अलायंस है एक बड़ा अलायंस है, एक लेवल का अलायंस है, एक विचारधारा का अलायंस है। और ये भी बात हुई है कि राज्यों में अपना 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 काम अपनी पार्टियां देखेंगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा उस समय अलायंस आपस में बातचीत करके तब फैसला अलग से करेगा। इनेलो का क्या रहेगा गठबंधन की तरफ से, इनेलो शामिल किया जाएगा? ये तो फैसला ऊपर के लेवल पर होता है, सीनियर हमारे नेशनल लेवल पर इंडिया का फैसला। हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार, राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, यहाँ कैसे उनका भी तो कोई नहीं है। देखो एक बात तो है, ये तो सबने देखा कि ये अलग ही थे, और जजपा ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ और फिर उनके साथ जाकर जुड़ गए और 5 साल सत्ता का सुख भोगा है। अब कहाँ क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं, असलियत तो सामने लोगों के आ गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इनकी पार्टी को राजस्थान में कुछ कर पाएंगे या ले पाएंगे। इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच साफ दिखाती है कि कितने निम्न स्तर की सोच है। इसके बारे में हम क्या कहें, मैं हमारे से तो होता नहीं कि हम उनके ऊपर इस तरह की कुछ वो कह दें, ये कोई तरीका नहीं होता। ये आपके लीडरशिप की भी एक क्वालिटी होती है कि आप दूसरों के साथ कैसे, हमने ऐसी बातें करना ना सीखा कभी और ना देखा। ये तो ये नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता ऊपर से नीचे तक जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जनता भी इसको देखती है और इसको नाप तोल इसका करती है।